अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं अपने किचन में एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड आज मैं बनाने वाली हूँ आंवले का मुरब्बा, और मेरा ये स्वीट स्वीट मुरब्बा बनके इतनी जल्दी से रेडी हुआ है ना। हमने इसको बॉईल करना है और ना ही हमने इसको सुखाना है, और बहुत ही बेहतरीन सा सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा ये आंवले का मुरब्बा बनके बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं आंवले के मुरब्बे की। तो यहाँ पे हमने 1 किलो मुरब्बे ले लिए, उनको इस तरह से हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे अच्छे से वॉश करके और सूती कपड़े से आमले को अच्छे से पोंछ ले, इसका पानी खुश कर ले। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें आमले को ध्यान में रखना है, हमें आमले बिल्कुल फ्रेश वाले लेने, ख़राब आमले नहीं लेने हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने आमले को इस तरह से कांटे से पिक करना है। तो इस तरह से हमें हम पिक करेंगे तो हमारा आमला अंदर तक मीठा हो जाएगा और अच्छा सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरह से कांटे से हमें अच्छे से होल बना लेने हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे आमले में अच्छे से होल बन गए, आप देख सकते हैं। हमने नीचे एक प्लेट रख रखी है, इसका सारा रस प्लेट के अंदर आ गया। तो इसे आप चाहे तो पी सकते हैं या किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे जितने भी आमले हैं वो सारे अच्छे से पिक हो गए हैं। तो फ्रेंड इसके बाद हम लेंगे एक बर्तन, बर्तन में हम बिल्कुल साफ पानी लेंगे, पीने वाला पानी हमें चाहिए। उसके अंदर हम सारे आमले को डाल देंगे, जितने भी हमने आमले तैयार करके रखे हैं होल करके, वो सारे आमले हम पानी के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से अगर हम डालेंगे ना पानी के अंदर, तो ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें 5 से 6 घंटे के लिए अपने आमलों को छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो पूरी नाइट के लिए आमले को छोड़ सकते हैं पानी के अंदर, इससे हमारे आमले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और बहुत ही जल्दी चाशनी को सॉफ्ट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हमने अपने आमले को छोड़ देना है पानी के अंदर 4 से 5 घंटे के लिए। और यहाँ पर हम फ्रेंड ले लेंगे मिश्री। तो ये मैंने धागे वाली मिश्री इस्तेमाल की है, बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ या चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये धागे वाली मिश्री इस्तेमाल की है। तो सबसे पहले हम इसको कूट लेंगे और फिर हम इसका फाइन सा पाउडर बना के रेडी करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने अपनी मिश्री को अच्छे से कूट लिया है, आप देख सकते हैं हमने ये अपनी मिश्री को मोटा मोटा ही कूटा है। तो चलिए यहाँ पर मिक्सी जार ले लेंगे और सारी मिश्री को डाल के हम मिश्री का बूरा बना लेंगे, अच्छा सा पाउडर बना के रेडी करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मिश्री का पाउडर है वो भी बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे अब आमलों को देख लेंगे। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे 1 केजी आमलों में 1 केजी मिश्री का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे आमलों को 5 से 6 घंटे हो गए हैं पानी में डले हुए। तो आप देख सकते हैं हमारे जो आमले हैं उनका कलर भी चेंज हो गया है और हमारे आमलों में पानी पानी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड इनको मैं डायरेक्टली कढ़ाई में ही ट्रांसफ़र करूँगी। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे एल्युमिनियम की या लोहे की कढ़ाई नहीं चाहिए, यहाँ पे नॉनस्टिक की हमें कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी आमले का मुरब्बा बनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे जो आमले होते हैं ना वो खट्टे होते हैं और लोहे की या एल्युमिनियम की कढ़ाई में वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम आमले का मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे आमले आ गए कढ़ाई के अंदर, और जो हमने मिश्री का पाउडर बना के रखा था ना वो भी हमने सारा ऐड कर दिया है कढ़ाई के अंदर। तो चलिए फ्रेंड अच्छे से हम मिक्स करेंगे अपनी बूरा को आमले के अंदर। तो इस तरह से हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम अपने आमले को धीमी आंच पे पकाने वाले हैं, तो इसके अंदर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और अच्छे से हमें चलाते हुए मिक्स करके गैस को ऑन करना है और धीमी आँच पर अपने आमले को पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम कवर करके अपने आमले को छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और अपने आमले को हम देख लेंगे। तो फ्रेंड हमारे आमले में अच्छे से उबल आ रहा है और आप देख सकते हैं हमारा जो बूरा है मिश्री का उसने पानी भी छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमें एक बार और कवर करके पका लेना है, तब तक हमारे जो आमले अच्छे से गले नहीं तब तक हमें इसको पकाना है। तो फिर से कवर कर देंगे और फिर से पकने के लिए छोड़ेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं अपने आमले को पकाते हुए, फिर से देख लेंगे हमारे जो आमले हैं वो अच्छे से गले क्या नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारे आमले जो है अच्छे से गल गए आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड हमें अभी अपने आमले को और पकाना है, तब तक हमारी चाशनी जो एक तरह की चिपचिपी ना हो जाए तब तक हमें अपने आमले पका लेना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे आमले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। चलिए मैं आपको चम्मच से तोड़कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे जो आमले के अंदर चाशनी भी चली गई है और कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे जो आमले हैं वो बन के रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड अभी हमें अपने आमलों को और पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो अब हम इसको उघाड़ कर ही पकाने वाले हैं, तब तक हमारी जो चाशनी है वो गाढ़ी ना हो जाए और आमलों के अंदर अच्छे से चले न जाए। तो चलिए फ्रेंड कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इलायची का पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे काला नमक। उसके बाद हम ऐड करेंगे आमलों के अंदर सौंठ,
सूखी अदरक का पाउडर आधा चम्मच। तो फ्रेंड अगर आपको सोट का स्वाद अच्छा ना लगे तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें सारे अपने मसालों को अच्छे से मिला देना है चलाते हुए। तो 5 से 6 मिनट के लिए अपने आमले को और पकाएंगे, तब तक हमारी चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक हमें और पकाना है। तो फ्रेंड हमें खोल कर ही अपने आमलों को पकाना है, अगर हम इसे ढककर पकाएंगे तो हमारे आमलों में क्रैक्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमें चाशनी को गाढ़ा होने तक आमलों को खोल कर ही पका लेना है। तो फ्रेंड अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना आमले का मुरब्बा तो बहुत ही जल्दी बनके रेडी होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे मुरब्बे में अच्छा सा उबाल आ गया और हमारी जो चाशनी है वो भी गाढ़े होने पर आ गई है और हमारा आमले का मुरब्बा बनके बिल्कुल रेडी हो गया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है एक तार वाली। तो ये हमारी चाशनी में एक तार भी अच्छे से आ गया, आप देख सकते हैं हमारा तार अच्छे से खींच रहा है चाशनी में। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो आमले का मुरब्बा है बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, तो ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे अपने आमले के मुरब्बे को। तो फ्रेंड मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे जो आमले हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं बनके और जो इसके अंदर चाशनी है वो अच्छे से चली गई है और हमारा आमले का मुरब्बा बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड आप जरूर ट्राई करिएगा, मेरे तरीके से आपको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये मेरा आमले का मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड अगर आप ताज़ा खाना चाहें तो खा सकते हैं, अगर आप 4 से 5 दिन बाद खाएँगे तो ये और ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाला है हमारा आमले का मुरब्बा। तो चलिए फ्रेंड आप मुझे बताइएगा आपको ये मेरा जूसी आमले का मुरब्बा कैसा लगा, इतना सॉफ्ट और जूसी है, आप देख सकते हैं कितना मुलायम हमारा आमले का मुरब्बा बनके रेडी हुआ है। तो चलिए फ्रेंड फिर से आऊँगी मैं नई यूनिक और आसान सी रेसिपी लेके आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।